All right, so hey, what's up everybody? This is Ajishin, the back into the game with new video. तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ गई है Firebolt Avalanche और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका फुल डिटेल रिव्यू और आज के इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहिए या नहीं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू. बॉक्स ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में ही Firebolt Avalanche का एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाएगा. राइट और लेफ्ट साइड में कई फीचर्स दिए गए और बैक साइड में यहाँ पर हमें बहुत सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं. अभी बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच और इस एक्सेसरी बॉक्स में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है यूजर मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, एक स्ट्रैप रिमूवल किट और उसी के साथ यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं. अभी बात करते हैं बिल्ट और डिजाइन की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रीमियम मेटेलिक फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाएगा. ये जो टैकीमेट्रिक स्केल है ना वो रोटेटिंग होने वाली है. यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप जो है वो देखने को मिल जाते हैं. बैक साइड में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लुक हमें देखने को मिल जाता है और ग्लास फिनिश में हमें बैक जो है वो देखने को मिल जाती है. बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें 1.28 इंचेस का HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है. डिस्प्ले की क्वालिटी ने यहाँ पर डिसेंट दी गई है. तो फटाफट से देखते हैं अभी इस पूरे स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस. वॉच UI की अगर बात करें तो जैसे आप टच और होल्ड करोगे यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आप कस्टम वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो. ऊपर से नीचे स्वाइप करते यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा. सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच, अलार्म क्लॉक यहीं से आप सेट नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन में जाके इसे सेट करना होगा. टाइमर मेन्यू व्यू में यहाँ पर आपको दो मेन्यू व्यू जो है वो देखने को मिल जाएंगे. उसी के ही नीचे ब्राइटनेस, फ़ोन कनेक्शन, ऑडियो ब्लूटूथ, फ़ोन रीसेट, वाइब्रेशन, रिंगिंग, थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट और ऐप डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है. नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको स्टेप काउंटिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, SPO2, फोन कॉल, AI वॉइस असिस्टेंट, वेदर फोरकास्ट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और ब्रीथ मोड के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं. लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको मेन मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा. Firebolt Avalanche के मेन मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेप काउंटिंग, स्लीप, हार्ट रेट, एक्सरसाइज, फोन कॉल, ब्लड प्रेशर, SPO2, नोटिफिकेशन, वेदर, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ मोड, गेम्स, AI वॉइस असिस्टेंट और वापस हमें सेटिंग्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं. वॉच UI की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें वही पुराना वाला Firebolt का वॉच UI जो है वो देखने को मिल जाता है. और हाँ दोस्तों यहाँ पर ना टच रिस्पॉन्स वगैरह काफी बढ़िया है और ये जो क्राउन है ना वो वर्किंग क्राउन होने वाला है. अभी बात करते हैं इस वॉच के हाइलाइटिंग फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है. AI वॉइस असिस्टेंट दिया गया है और हाँ यहाँ पर आप आपकी वॉच के ऊपर म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो. और हाँ टू इनबिल्ट गेम्स भी दिए गए, एक है Flybird और दूसरा है 2048 का पजल गेम. अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग के साथ साथ ब्रीथ मोड भी दिया गया है. और स्पोर्ट्स मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे. इन्हें ग्रुप्स में कैटेगराइज भी किया गया है. अभी बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है ना वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली, मतलब पानी के हल्के फुल्के स्प्लैशेस से इजीली सह सकती है. अभी बात करते हैं बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ना अराउंड 5-6 डेज का बैटरी बैकअप ना यहाँ पर देखने को मिल रहा था. और कॉलिंग वगैरह यूज़ करते हो तो आराम से यहाँ पर आपको 2 दिनों का बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाएगा. तो अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, तो दोस्तों इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस है 1999 रुपीज़. और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड जो है वो देखने को मिल जाते. यहाँ पर ये टेकीमेट्रिक स्केल है ना वो रोटेटिंग होने वाली है, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, AI वॉइस असिस्टेंट है, इनबिल्ट गेम्स भी दिए गए और लुक्स ना इसके काफ़ी क्लासिक है. मतलब आप अगर ऑफिस वगैरह यूज़ के लिए पहनते हो ना, मतलब फॉर्मल यूज़ के लिए, तो ये बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर 2000 रुपीज़. तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो. टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट.